हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, केटीआई टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसे ट्रिक के बारे में, जैसे कि आप अपने किसी भी फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियो को आप अपने फोन में ही सेव करेंगे, उसको हाइड करेंगे विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप के यूज किए हुए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे तरीके की बात करने वाला हूँ कि आप उसकी मदद से बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप का सहारा लिए हुए आप अपने किसी भी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल्स, किस कोई भी चीज हो, आप उसको हाइड कर सकते हैं। आप उसको ऐसे जगह छुपा सकते हैं जो कि कोई भी नहीं खोज पाएगा उसको, ठीक है। मतलब खोजने का मतलब ये है कि उसको वो कोई भी गैलरी में शो नहीं होगा, वो मतलब गैलरी में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपके फोन में जो भी डेटा होते हैं, जैसे कि वीडियो कोई हो या फिर फोटो कोई हो, ठीक है, अगर उसको आप छुपा कर नहीं रखते हैं तो कोई भी एक्सेस कर लेता है। गैलरी आपका ओपन करेगा, वो तुरंत इसको ऑनलाइन करेगा, आपका पूरा फोटो दिख जाएगा, उसको पूरा वीडियो आपका दिख जाएगा, जहाँ चाहेगा वो देख लेगा। दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के सहारा लिए हुए अपने किसी भी फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियो को किसी भी या कुछ भी हो उसको मैं हाइड कर सकूं और सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊं और कोई दूसरा एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बेस्ट बेस्ट कॉन्टेंट आपके लिए लेके आते रहता हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ आपके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, वहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल्स देता हूँ कि ये कैसे आपको करना है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फोटो या फिर वीडियो को आप कैसे हाइड कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए मैं सिंपली आपको वो कोई भी फोटो दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं गैलरी में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। गैलरी को मैंने ओपन कर लिया और मैं अपना एक पिक्सल ऐप का ही एक थंबनेल आपको हाइड करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा अभी एक दिख रहा होगा थंबनेल आपको, हाउ टू अपलोड शॉर्ट वीडियो, पूरी जानकारी इसमें मैंने इस वीडियो में दी है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप इसको वॉच कर सकते हैं, बहुत शानदार जानकारी मैं आपको दिया हूँ इस वीडियो में। तो मैं इसी फोटो को आपको हाइड करने के लिए सिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये जान लेना है कि ये फ़ोटो किस स्टोरेज में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पाथ, मतलब इसकी जो रास्ता है, इस फोटो तक जाने के लिए आपको इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद से पिक्सल लैब एक फाइल मिलेगा, उसके बाद से यहाँ पर मतलब इस पर मैंने क्लिक किया तो खुल ही गया, ठीक है। तो ये जानकारी आपको रख लेनी है कि ये है किस जगह, ठीक है। तो आपको फाइल मैनेजर में इस आपको जाना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप चलता हूँ अपने फाइल मैनेजर के ऐप में, ठीक है। मैं फाइल मैनेजर में गया हूँ, वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये इंटरनल स्टोरेज में आपने देखा था कि इंटरनल स्टोरेज लिखा था, इंटरनल स्टोरेज में ही है, ठीक है। उसके बाद से पिक्सल लैब लिखा था, तो पिक्सल लैब पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वो फोटो आप सिलेक्ट कीजिए जो फोटो में आप हाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक फ़ोटो है, यही वाला जो मैंने आपको थंबनेल दिखाया था, हाउ टू अपलोड शॉर्ट वीडियो। उसके बाद से आपको इस फोटो को सिलेक्ट करके रखना है, ऐसे जैसे कि देख सकते हैं मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से आपको यहाँ पर मूव का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। मूव आपको क्लिक करना है मूव पे, ठीक है। तो चलिए मैं मूव पे क्लिक कर देता हूँ। मूव पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों फिर से यहाँ पर कुछ आपको फोल्डर दिख जाएंगे आपके फ़ोन में, जो भी इंटरनल स्टोरेज होगा या फिर एसडी कार्ड होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली दोस्तों इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज पर आपको क्लिक करना है, इंटरनल मेमोरी पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको एक फाइल सर्च करना है जिसका नाम है एंड्रॉयड। तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड लिखा हुआ, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे फाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने मूव का ऑप्शन पर क्लिक किया था तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं नीचे मेरे लिखा हुआ आ रहा है पेस्ट, मुझे पेस्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया मैंने और यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इस पिक्सल लैब से मैंने मूव करके एंड्रॉयड में आके इसको पेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप चलिए मैं आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ कि वो फ़ोटो हटा के नहीं। आप लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ लाइव चल रहा है, कुछ भी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। अब एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर दिया था, देखिए देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसके बाद से ये आ जा रहा है और ये आ जा रहा है। ये तो मैंने पहले मैं थंबनेल बना लेता हूँ, देन मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने थंबनेल बना कर रखा है, तो अब देखिए वो थंबनेल हट गया। अब ये कहीं भी नहीं दिखेगा आपके गैलरी में, आप ढूंढते रह जाएंगे कहीं नहीं दिखेगा ये, ठीक है, ये कहीं भी नहीं दिखेगा। अब दोस्तों अगर आपको फिर से इसको वॉच देखना है तो आप सिंपली एंड्रॉयड में जाइए, जहां पर आपने पेस्ट किया यहां पर देख लीजिए। आप चाहते हैं कि आपका ये फिर से गैलरी में देखने लगे
तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करके रखना है, मूव पे क्लिक करना है, इंटरनल शेड में आ जाना है और पिक्सल लैब जहाँ से आपने मूव किया था वहीं से आपको इसको लाके फिर से पेस्ट कर देना है। अब जब इसको आप पेस्ट कर देंगे देन आप बैक आएंगे यहाँ से। अब मैं गैलरी में आ गया हूँ। गैलरी में आने के बाद इसको रिफ्रेश कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बूम यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप का सहारा लिए आप अपने फोटो या फिर वीडियो को हाइड कर सकते हैं, दूसरों से बचा सकते हैं और सिर्फ आप उसी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। और दोस्तों ये भी बता दूँ कि यूट्यूब पर शायद ही वीडियो ऐसा पड़ा हो जो जिसने ये ट्रिक बताया होगा, बट मैंने आपको बता दी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।